कहा हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में कर्मचारी नहीं, क्लर्क पटवारी हड़ताल पर। गरीब का सपना टूटा, कमर टूटी, सिलेंडर टमाटर तेल डीजल के नाम पर बीजेपी राज में भाव। छू रहे आसमान, गरीब का जीना दुर्भर। गन्नौर सब्जी मंडी का निर्माण कांग्रेस राज में राहुल गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शर्मा के द्वारा किया गया था शुरू। बीजेपी 10 साल राज करने के बाद अब जाते हुए कह रहे हैं कि हम मंडी का निर्माण करेंगे। गन्नौर में कॉलेज और मंडी बनेगी भी, कांग्रेस राज में उद्घाटन भी होगा कांग्रेस राज में, क्योंकि जनता जान गई है कांग्रेस काम करने वाली पार्टी है, बीजेपी बात करने वाली पार्टी है। बीजेपी का काम आपस में लड़वाने का काम है, धर्म को धर्म से, जाति को जाति से। नूह में दंगे, मणिपुर में आगजनी कर जनता से वोट मांग रहे, गन्नौर में बीजेपी ने कुछ नहीं किया इसलिए काम पर वोट नहीं मांग रहे। एक बात तो आप मान लीजिए कि तीन इंजन की सरकार लगी हुई केंद्र में, प्रांत में और शहर में नगर पालिका। जो गांव की सरकार है उनको तो पीट रही है सरकार, लठा से मारा है सरपंचों को, कितना बड़ा लोकतंत्र का अपमान है। जो शहर की सरकार है वो भी इनको चाहिए थी, प्रदेश की भी चाहिए, सारी सरकारें इनकी हैं पिछले 10 साल से, तो कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं। हमारी प्राथमिकताएं ये हैं कि गन्नौर को देखिए, मुझे तो गन्नौर जो मिला था 2009 में वो एक आधा गांव आधा शहर था। अब आपको कैसा लगता है, 2013 में श्री राहुल गांधी जी को लेकर चौधरी भूपेंद्र सिंह और हुड्डा और हम आए थे और यहाँ पर गन्नौर की इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट जिसको बोलते हैं, इसमें काम चालू किया था। 10 साल उसके बाद बीजेपी की सरकार रही है, जो जितना काम हुआ था हमारी सरकार का। अब सरकार बनी है, अब सरकार अपने अंगड़ाई ली है 10वें साल में, जब ये जा रही है और कहते हैं हम इस मंडी को बनाएंगे, इस मंडी को बनाएगी भी कांग्रेस और इस मंडी का उद्घाटन भी हम करेंगे, यहाँ कॉलेज भी हम बनाएंगे और कॉलेज का उद्घाटन भी हम करेंगे। इनके बस का कुछ नहीं है, जनता ने देख लिया है कि ये काम करने वाले लोग नहीं, ये बात करने वाले लोग हैं। भाई को भाई से लड़ाकर, धर्म को धर्म से लड़ाकर, जाति को जाति से लड़ाकर, नू में हिंसा फैलाकर, मणिपुर को जलाकर, देश को बांटकर वोटें मांगना चाहते, काम करके वोट मांगो ना। गन्नौर में भारतीय जनता पार्टी ये कहे भी हमने ये काम किया इसलिए हमें वोट दो, तो हम मानेंगे, उसका जवाब देंगे या बात को मानेंगे। ये तो कहते नहीं है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, चीन पाइना मणिपुर, क्या है ये, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं इस तरीके के व्यवहार से हरियाणा। अब देखिए आप इनकी शॉर्ट साइटेडनेस देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ बड़ी महत्वपूर्ण है। गुड़गांव हरियाणा का सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला शहर है, 53% रेवेन्यू हरियाणा का गुड़गांव से आता है, और गुड़गांव के चारों तरफ आग लगी हुई है, इंटरनेशनल सिटी है, मिलेनियम सिटी है, सिग्नेचर सिटी है, वहां पर अशांति है, सुरक्षा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकता, कहना क्या चाहिए था मुख्यमंत्री को, कहना चाहिए था सारा हरियाणा मेरे हाथों में सुरक्षित है। बल्कि ये प्रचारक मुख्यमंत्री, ये अभी तक मुख्यमंत्री बने नहीं है, ये प्रचारक है, ये कह रहे मैं हर आदमी को सुरक्षित दे, अरे नहीं दे सकता छोड़। गृह मंत्री कहता है मुझे किसी ने CID नहीं दी, डिप्टी CM कहते हैं मुझे तो किसी प्राइवेट आदमी ने बताया, मुख्यमंत्री कहते हैं 7-8 दिन से पता था, इनपुट्स थे कि नू में हिंसा हो सकती है, तो नू की हिंसा हुई नहीं है, करवाई गई है, वोटों की फसल काटने के लिए कराई गई है, ये पब्लिक है सब जानते हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।